नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनुषा चैनल में। सनुषा आज आपके लिए लाए हैं गोदरेज NX Pro 8 लीटर डिजिटल सेफ। इस सेफ के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि इस सेफ में क्या क्या फीचर्स हैं, इन फीचर्स के बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये इमरजेंसी की मदद से हम इस सेफ को खोल लेते हैं। तो आइए देखते हैं, ये इमरजेंसी की है, इसको मैंने इमरजेंसी की पॉइंट में लगा के इस सेफ को खोल लिया है। आगे इस वीडियो में हम बने रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस सेफ को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले इस सेफ में हम बैटरी लगाएंगे, क्योंकि बिना बैटरी लगाए ये काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं ये है बैटरी पॉइंट, तो हमने इसमें बैटरी कुछ लगा दिया इस तरीके। इसमें आप रिमोट वाली 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि यह सेफ बंद कैसे होता है। तो बंद करने के लिए आप जब हैज इसमें प्रेस करेंगे तो ये सेफ आपको बंद हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लोज लिखा है। तो वापस से इस सेफ को खोलने के लिए कंपनी का फिर डिफॉल्ट पासवर्ड 1, 2, 3, 4 है। इस पासवर्ड को एंटर करते ही आपका सेफ खुल जाएगा, स्क्रीन पे ओपन करके लिखा हुआ दिख जाएगा। इस सेफ को ऑपरेट करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि यह सेफ हमेशा खुला रहे, तभी इसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं आप। तब हम जानेंगे इसमें आप पासवर्ड कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो बार स्टार प्रेस करेंगे, तो जैसे दो बार स्टार प्रेस करेंगे तो ऊपर प्रोग्राम करके लिख के आएगा स्क्रीन पर, उसके बाद 6, 8 हैज, ये जैसे ही प्रेस करेंगे ऊपर न्यू लिख के आएगा। तो आपको जो भी पासवर्ड बनाना है उसका आप एंटर करेंगे। तो हमने 4, 3, 2, 1 प्रेस किया है, तो आप देख सकते हैं लास्ट में हैज प्रेस करने के बाद आपका ये सेफ क्लोज हो जाएगा, मतलब आपका ये पासवर्ड चेंज हो गया है। पासवर्ड हमारा चेंज हो गया है, अब हम इसको चेक करेंगे। तो बंद करने के लिए आप हैज प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्लोज लिख के आ जाएगा, तो हमारा सेफ बंद हो गया। तो हमने अभी इसमें पासवर्ड 4, 3, 2, 1 सेट किया था, इसको मैंने इसमें एंटर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा सेफ खुल गया है, ओपन लिख दिया, मतलब ये सेफ हमारा खुल गया। इस सेफ में आपको मास्टर पासवर्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनी इसलिए देती है कि अगर आपका इमरजेंसी में चाबी नहीं मिल जाए और अपना पासवर्ड भी भूल गए हैं तो मास्टर पासवर्ड का यूज करके आप अपने सेफ को खोल सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसमें मास्टर पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। तो मास्टर पासवर्ड सेट करने के लिए आपको दो बार स्टार प्रेस करना है, तो हमारे साथ आइए दो बार स्टार प्रेस करिए। तो आप प्रोग्राम देख सकते हैं लिख के आ गया है, उसके बाद इसमें आप 8, 5, 10 जो इसमें कंपनी का डिफॉल्ट मास्टर पासवर्ड है उसको एंटर करेंगे तो न्यू लिख के आ जाएगा। तो इसके बाद आपको जो भी मास्टर पासवर्ड बनाना है उसको इसमें एंटर कर देंगे। तो हमने इसको 1 को 6 टाइम एंटर करेंगे, यही हमारा न्यू मास्टर पासवर्ड है। तो इसको आपको दो बार करना है, तो हमने एक बार कर लिया, दूसरी बार भी हमको 1, 6 टाइम एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा डन लिख गया, तो ये हमारा जो मास्टर पासवर्ड है ये भी सेट हो गया। तो आइए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो बंद कर लेते हैं पहले सेफ को, तो ऐसे ये बंद हो गया। अब हमने अभी जो भी मास्टर पासवर्ड लगाया है उससे इस सेफ को खोलेंगे। तो आइए इसको खोलते हैं, जैसे हमने 6 times 1 एंटर किया करेंगे तो ये मास्टर पासवर्ड यही हमारा है। तो इससे देख सकते हैं हमारा सेफ खुल गया। इस सेफ में आपको दो मोड देखने को मिल जाएगा, पहला होम मोड है, दूसरा होटल मोड है। तो इस समय यह सेफ होम मोड में है, तो इसको हम होटल मोड में एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये सेफ आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, घरों में भी यूज कर सकते हैं, होटलों में भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं ये होटल मोड कैसे होता है। तो होटल मोड करने के लिए दो बार स्टार प्रेस करेंगे, उसके बाद 7, 5, 1, 0, 1, 9 जैसे एंटर करेंगे आप एक 6 डिजिट का नंबर दिखेगा जिसके दोनों तरफ आपको 0 दिख रहा है, फर्स्ट में और लास्ट में। इन दोनों नंबरों को आपको सिर्फ 1 कर देना है, बाकी सारे नंबर सेम रहेंगे। तो हमने कर दिया है, देख सकते हैं ये 1, फिर 3, 0, फिर 1। अब देख सकते हैं दोनों तरफ 1 हो गया है। इसके बाद आप है जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा सेफ होटल मोड में हो गया। तो हमारा यह सेफ अब होटल मोड में हो गया है। तो आइए इस होटल मोड में हो गया तो इसको हम चेक करेंगे। यह होटल मोड इसलिए है, अगर आप होटलों में देखेंगे तो कोई भी गेस्ट आता है तो अपना पासवर्ड से इस सेफ को बंद करेगा, उसी से खोलेगा, उसी के लिए ये है। तो जिस भी पासवर्ड से इस सेफ को आप बंद करेंगे उसी पासवर्ड से खुलेगा। तो हमने इसको 1, 2, 4, 5 से बंद कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा सेफ बंद हो गया है। तो वापस से ये इसी पासवर्ड से खुलेगा जो पासवर्ड हमने इसमें एंटर किया है। तो 1, 2, 4, 5 देख सकते हैं ये सेफ हमारा खुल गया है। तो ये होटलों के लिए होता है, जिस तरह ये होटल मोड हुआ है उसी तरह आप इसको होम मोड में वापस से कर सकते हैं, बस दोनों तरफ 0 आप एंटर कर देंगे।
तो हमने इस सेब को हार्मोन में वापस से कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये हैज से बंद होने लगा है। अब इसमें जो भी अभी डिफॉल्ट पासवर्ड है 1234, तो इसे हम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेब हमारा खुल गया है। तो ये हमारा वापस से होम मोड हो गया है। इस सेब के पासवर्ड को अगर आपको शो नहीं कराना है, डैश डैश में करना है, तो उसके लिए 0# प्रेस कर देंगे तो आपके सेब में नंबर की जगह डैश डैश दिखने लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। कंपनी ने इस सेब में इमरजेंसी की भी दिया है, ताकि आप अपना पासवर्ड कभी भूल जाते हैं तो आप इमरजेंसी की से इस सेब को खोल सकते हैं। तो ये इमरजेंसी की का यूज करना हम आपको बताते हैं। तो ये देख सकते हैं इमरजेंसी की से आप जैसे ही एंटी क्लॉक वाइज में घुमाएंगे ये सेफ हमारा खुल जाएगा। इस सेफ में आपको ये मैनुअल देखने को मिल जाएगा, उसके साथ वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब इस सेप में आप देखेंगे पीछे की तरफ कुछ होल दिख रहे होंगे, तो ये जो होल है ये आप वाटरप्रूफ में या फिर आपने अलमीरा में कहीं पे भी इसको फिक्स करवाने के लिए दिया है, तो आप इस सेप को कहीं भी अपने हिसाब से फिक्स करवा सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस लॉकर के बारे में आपको जानकारी भी अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।